हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेकअप के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फाउंडेशन के बारे में। मेकअप की शुरुआत में सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई किया जाता है। ये ना सिर्फ आपके मेकअप को एक बेस देता है बल्कि आपकी स्किन को फ्लॉलेस भी बनाता है। एंड फाउंडेशन अप्लाई करने से आपके फेस एंड नेक के स्पॉट्स तो कवर हो ही जाते हैं, साथ ही स्किन की कुछ छोटी छोटी कमियां भी छिप जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे सही तरह से अप्लाई करें। अगर आप फाउंडेशन एप्लीकेशन के दौरान गलतियां करती हैं तो इससे आपका पूरा मेकअप स्ट्रीकी एंड केकी हो जाता है। फाउंडेशन एप्लीकेशन मिस्टेक्स की वजह से एक फ्रेश लुक मिलने की जगह आपका चेहरा थका हुआ और एजिंग नज़र आने लगता है। फाउंडेशन एप्लीकेशन मेकअप का सबसे पहला और बेहद इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप फाउंडेशन को सही तरह से अप्लाई नहीं करती हैं तो फिर आपका आई मेकअप या लिप मेकअप कितना भी अच्छा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि आपको फाउंडेशन सही तरह से अप्लाई करना आना चाहिए। आज मैं आपको फाउंडेशन एप्लीकेशन के टाइम की जाने वाली कुछ ऐसे ही मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके मेकअप लुक को ख़राब करती हैं। फर्स्ट मिस्टेक, फाउंडेशन से पहले कंसीलर लगाना। बहुत सारी गर्ल्स आमतौर पर ये मिस्टेक करती हैं। अपनी स्किन के डार्क सर्कल्स व ब्लेमिशेस को छुपाने के लिए कंसीलर का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले कंसीलर यूज़ कर रही हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिकॉज कंसीलर लगाने के बाद जब आप फाउंडेशन लगाकर उसे ब्लेंड करती हैं तो उसके साथ ही पहले से लगाया हुआ कंसीलर भी ब्लेंड हो जाता है और आपके ब्लेमिशेस फिर से नज़र आने लगते हैं। जब फाउंडेशन आपकी स्किन को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता तब कंसीलर आपकी स्किन को एक्स्ट्रा कवरेज देता है। इसीलिए सही तरीका यही है कि आप पहले फाउंडेशन अप्लाई करें और उसके बाद ही आप फ्लॉज को करेक्ट करने के लिए कंसीलर का यूज़ करें। कंसीलर को स्किन पर लगाने के बाद उसे तुरंत ब्लेंड ना करें बल्कि पहले थोड़ी देर उसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। ये बात लिक्विड कंसीलर पर सबसे ज़्यादा लागू होती है। आप इन्हें जितनी ज़्यादा देर के लिए स्किन पर छोड़ेंगी ये उतनी ही अच्छी तरह से सेट होंगे और उतने ही अच्छे से ब्लेंड होंगे। मिस्टेक नंबर टू, टू मच फाउंडेशन अप्लाई करना। बहुत सारी गर्ल्स को लगता है कि स्किन को स्मूथ दिखाने के लिए या एक्स्ट्रा फेयर दिखाने के लिए ढेर सारे फाउंडेशन या प्रोडक्ट को लगा लिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा करने से पूरा चेहरा भद्दा दिखने लगता है। इसीलिए कभी भी फुल कवरेज पाने के चक्कर में ज़्यादा फाउंडेशन ना लगाएं, बल्कि एक पतली सी लेयर ही अप्लाई करें और ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करें। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी आपके मेकअप का लुक भी उतना ही फ्लॉलेस आएगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारी गर्ल्स करती हैं वो ये है कि आप फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्रश कौन सा यूज़ कर रही हैं। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए या कंसीलर के लिए बहुत सारी गर्ल्स फ्लैट ब्रश का यूज़ करती हैं। इससे चेहरे पर स्मूथ फिनिशिंग नहीं आती, कई बार तो चेहरे पर लाइन सी दिखने लगती है। अगर आप कम समय में स्मूथ फिनिश चाहती हैं तो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए हमेशा पफिंग ब्रश का यूज़ करें या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें, ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, स्किन को एक्सफोलिएट ना करना। जिस तरह से जब आप किसी दीवार को पेंट करती हैं तो अगर आप दीवार की सफाई और घिसाई किए बिना ही उसे पेंट करने लगेंगी तो ना तो पेंट अच्छी तरह से हो पाएगा और ना ही वो ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। यही लॉजिक आपकी स्किन और मेकअप पर भी लागू होता है। अगर आप गंदी और फ्लेकी स्किन पर ही फाउंडेशन लगाने लगेंगी तो आप कितने भी अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रही हों वो मैसी और टैकी ही लगेगा। अच्छे मेकअप लुक के लिए स्किन को रेगुलरली एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेकअप करने से तुरंत पहले स्किन को एक्सफोलिएट ना करें। मेकअप शुरू करने और स्किन को एक्सफोलिएट करने के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखें। डेली रूटीन में भी आप वीक में एक बार स्क्रबिंग ज़रूर करें, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके फेस पर जितनी भी डेड स्किन सेल्स
ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं वो आपकी स्किन पर ही रह जाएंगे, और जब आप इन्हीं के ऊपर से फाउंडेशन अप्लाई कर लोगे तो आपके मेकअप का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए वीक में एक बार स्क्रबिंग ज़रूर से करें। नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट प्रिपेयरिंग योर स्किन बिफोर मेकअप। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सीधा मेकअप स्टार्ट कर देते हैं और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते। आपकी स्किन चाहे ऑयली हो या ड्राई हो या कोई भी स्किन टाइप हो, डर्ट पॉल्यूशन की वजह से आपकी स्किन में ड्राई पैचेस ज़रूर हो जाते हैं, और जब आप अपनी स्किन पर डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो तो वो आपके ड्राई पैचेस पर कलेक्ट हो जाता है। फिर जब आप फाउंडेशन के ऊपर से पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हो तो थोड़ी देर के बाद मेकअप का लुक बहुत ही ख़राब लगने लगता है। पूरा फेस तो अच्छा लग रहा होता है बट बीच बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें एंड मॉइस्चराइज़र को 10-15 मिनट तक अब्ज़ॉर्ब होने का टाइम दें, और जब आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र पूरी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए तभी आप फाउंडेशन अप्लाई करें। नेक्स्ट मिस्टेक, प्राइमर अप्लाई ना करना। बहुत सारी गर्ल्स को ऐसा लगता है कि प्राइमर लगाना शायद उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे कई रीज़न्स हैं जो प्राइमर को मेकअप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं। सबसे पहले तो आपको मेकअप के लिए एक स्मूथ बेस की ज़रूरत होती है, और प्राइमर आपके पोर्स को फिल करके अनइवन एरियाज़ को इवन कर देता है, जिसकी वजह से आप जो भी प्रोडक्ट्स मेकअप में यूज़ करते हो वो आपके पोर्स के अंदर जाकर आपकी स्किन को हार्म नहीं करते और आपको मेकअप के बाद स्मूथ फिनिश मिलती है। दूसरी वजह प्राइमर लगाने की ये है कि इससे आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। जिस तरह दीवार को पेंट करने से पहले उस पर प्राइमर लगाना ज़रूरी है जिससे कि वो लंबे समय तक टिका रहे, उसी तरह मेकअप अप्लाई करने से पहले भी प्राइमर लगाना ज़रूरी है जिससे आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहे। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो फाउंडेशन लगाते टाइम बहुत सारी गर्ल्स करती हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक करते हो तो उसे करेक्ट ज़रूर से करो ताकि आपका मेकअप भी फ्लॉलेस और स्मूथ नज़र आए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।